हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल 6 के बारे में। ये इसका अल्फा प्लस वेरिएंट है और वीडियो थोड़ी लेट आ रही है क्योंकि ऑलमोस्ट आपने देख ली होगी वीडियो उसकी, बट अभी हमारे चैनल पर आ रही है। तो अल्फा प्लस वेरिएंट है, आपको क्या क्या ऑफर करता है उस चीज़ के बारे में बातचीत करेंगे। और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। चैनल पे डेली कंटेंट आपको पसंद है तो उसको भी मद्देनज़र रखते हुए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अभी हम बात करते हैं कि ये आपको ऑफर क्या क्या करता है। और उससे पहले अगर आप तो ये गाड़ी प्लान कर रहे हो या फिर किसी भी गाड़ी को ऊपर जो कि आपको नेक्सा के थ्रू अवेलेबल होती है उस पर आपको बेस्ट डील चाहिए, बेस्ट ऑफर चाहिए, तो नंबर आपकी स्क्रीन पे है, वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप कॉल कर सकते हो। और जल्दी जल्दी कवर करते हैं सारी चीज़ें की उन चीज़ों के बारे में बेसिकली ज़्यादा बातें करेंगे जो अभी इसके अंदर चेंज हुई है। तो अभी स्टार्ट करते हैं गाड़ी की चाबी से। और इसकी कीमत आपको बता देता हूँ, 12,90,000 एक्स शोरूम आपको पड़ती है ये। और यह है कुछ इस तरीके की चाबी, नॉर्मल से वही की फॉब्स हैं जो पहले आते थे इसके अंदर, दोनों सेम है, छोटे से हैं तो ऐसा जेब में रखते टाइम इरिटेशन भी नहीं होती है, मतलब ज़्यादा बड़ी चाबी होती है ना तो वो भी अपने आप में एक दिक्कत ही है। तो यहाँ पे कुछ ये ऐसे कंट्रोल्स आपको मिलते हैं चाबी पे, डोर्स को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन है, और इस बटन को थोड़ा साइड में पुल कर देते होते फिजिकल की अपना बाहर की तरफ आ जाती है। तो ये है, अभी रख लेते हैं साइड में और दिखा देता हूँ। देखो इस तरीके से आप इसे इस तरीके से आवाज़ करेगी ये फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अभी फ्रंट प्रोफाइल बात करें तो इसके कलर की बात करें तो ये आई थिंक नेक्सा ब्लू है, और पर्सनली बहुत ज़्यादा मैसिव, बहुत मतलब गजब का लग रहा है कलर इसके ऊपर। और बेसिक सी जो चीज़ें चेंज हुई उनके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो यहाँ पे LED बेस अपना हेडलैम्प का सेटअप आपको मिलता है जो कि पहले भी मिलता था। इंडिकेटर्स के प्लेसमेंट है, ये DRLs हैं जो कि इस क्रोम का जो पार्ट है, जो ग्रिल के ऊपर क्रोम पार्ट है, उसके साथ मर्ज हो जाती है। और ये चीज़ थोड़ी चेंज हुई है क्योंकि पहले ये वाला कट जो है पूरा लाइट तक आता था, बट ये अब सामने से ग्रिल चेंज हो चुकी है और अब इसके अंदर आ चुका है 360 डिग्री कैमरा। ये चीज़ नई अपडेट हुई है इसके अंदर 360 डिग्री कैमरा वाली। नीचे LED बेस फॉग लैंप्स हैं, अपना स्किड प्लेट जैसा डिज़ाइन है। और अब आए साइड सेक्शन में, अभी देखो कलर मतलब थोड़ा ऐसा लाइट शेड में नहीं है तो क्या मस्त लग रहा है, थोड़ा डार्क टोन मतलब। और पीछे से देखना भाई, पीछे से तो बहुत ही ज़्यादा गजब की लगती है। अभी साइड सेक्शन में आए तो यहाँ पे MRF के टायर्स हैं। और टायर सेक्शन की बात करें यहाँ पे तो 195/60R16 16 रेंज का कुछ ऐसे मिलेंगे न्यू प्रोफाइल के साथ। मशीन कट अलॉय व्हील्स, जहाँ पे आगे डिस्क पीछे ड्रम ब्रेक्स आपको ऑफर होती हैं। और दूसरी साइड से दिखाता हूँ, देखो इधर की साइड से आपको एडेन लगेगा। अब लाइट आ रही है इधर से, देखो ये है कुछ। गाड़ी की लेंथ हाइट वेड़ आपकी स्क्रीन पे ब्लिंक कर रही है और काफ़ी बड़ी है, लिटरली काफ़ी बड़ी है। और मेरे हिसाब से इन बेसिक चीज़ों की इस गाड़ी के अंदर रिक्वायरमेंट थी, जो कि मतलब जैसे अब किया ने भी अपनी कैरेंस लॉन्च कर दी मार्केट के अंदर, तो इतना सुपीरियर प्रोडक्ट जो मार्केट में है सुजुकी का, जिस पर आप आँख बंद करके भरोसा कर सकते हो, तो क्यों बंदे उसकी तरफ जाएं। तो सुजुकी ने तुरंत के तुरंत, ऐसा ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, तुरंत के तुरंत इसके अंदर अपडेट किया और मार्केट में लॉन्च कर दिया। तो ये है, क्लैडिंग्स वगैरह मिल जाती हैं आपको, मतलब पूरी एक SUV और एक सेडान और एक MPV के बीच का सा मिक्सचर ये गाड़ी आपको मिलती है। मतलब क्लैडिंग्स वगैरह इसमें आपको मिल जाती है, नीचे रनिंग बोर्ड पे भी अपना क्लैडिंग मिलती है। और को पैसेंजर साइड भी अपना यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर के प्लेसमेंट आपको मिल जाती है, क्रोम डोर हैंडल्स हैं, और एक कैमरा के प्लेसमेंट यहाँ पर मिलती है नीचे की साइड। और जो एक चीज़ और चेंज हुई है वो है विंडो एरिया, ये टिंट हो चुकी है विंडो, अब जो पहले नॉर्मल आती थी टॉप वेरिएंट्स के अंदर भी, तो अब यहाँ पे आपको टिंट विंडोज़ मिलती हैं, जैसे कि आप देख सकते हो थोड़ा येलो टिंट इनके ऊपर आ रहा है। और ये पैनल चेंज हुआ थोड़ा सा, यहाँ पे पहले जो क्वार्टर पैनल वाला पोर्शन था वो बिल्कुल ही हटा दिया है, और ये बिल्कुल एक क्या बताऊँ आपको 32 इंच के प्लाज्मा जैसी मतलब स्क्रीन हो चुकी है इसकी। ये पैनल जो है विंडो एरिया इतना बड़ा है कि अभी आपको वीडियो में तो ऐसा जस्टिस ही नहीं होगा बिल्कुल भी, जब रियल देखोगे आप आँखों से आगे तो भाई ये देखना ये कितना बड़ा है, 3-4 और 4.5 बताओ, इतना बड़ा तो ये ग्लास एरिया है इसका। और स्पेस के मामले में तो गाड़ी है ही, मतलब जेन्युइन अंदर ही साइड दिखाता हूँ क्योंकि थर्ड रो भी गाड़ी की बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है इसकी। यहाँ साइड लेकर गाड़ी के अंदर पेट्रोल, और अब आते हैं मैजिक के ऊपर जो है ऊपर साइड पर, और दिखा देता हूँ रूफ रेल्स हैं, शार्प एंड एंटीना की प्लेसमेंट। आते हैं मैजिक के ऊपर जो है पीछे की प्रोफाइल इस गाड़ी की, भाई पर्सनली पीछे से मुझे बहुत ज़्यादा मस्त लगी है, पीछे से जो चीज़ चेंज हुई है ना वो गजब की है। यहाँ पे देखो पहले ऊपर साइड स्टार्ट कर लेते हैं, स्टॉप लैंप है, वॉशर है, डिफॉगर वाइपर दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे, और ये क्रोम के एक नया सा पोर्शन इसके ऊपर ऐड हुआ है। और ये वाला जो पैनल आप देख रहे हो ग्लॉसी ब्लैक है कलर के ऊपर, आपको आइडिया नहीं लग रहा होगा बिल्कुल भी, ये देखो बिल्कुल दोनों सेम टू सेम लग रहे होंगे, तो ये अलग अलग है। ये पूरा ग्लॉसी पैनल यहाँ पे मिलता है, ये नीचे तो है ही अपना ब्लू कलर। और यहाँ पे रिवर्स कैमरा की प्लेसमेंट नीचे की साइड है, नंबर प्लेट की प्लेसमेंट है, XL6 की बैजिंग है, स्मार्ट है अपना जो स्मार्ट हाइब्रिड जो इंजन आता है वो उसकी बैजिंग यहाँ पे है। और ये कुछ ऐसे मिलते हैं
LED बेस अपना टेल लैम्प्स स्मोक हिटेंट्स के साथ, मतलब पूरा ऊपर का जो ग्लास पैनल है ये वाइट है और अंदर से जो पोर्शन दिया हुआ है ये ब्लैक है टोटली। ये मुझे पर्सनली बहुत मस्त लगा भाई यहाँ पे। और नीचे साइड चार पार्किंग सेंसर्स हैं, 1, 2, 3, 4, और रिफ्लेक्टर्स वगैरह आप देख सकते हो, क्लैडिंग वगैरह भी यहाँ पे है, और स्पेयर व्हील जो है आई थिंक वो यहाँ पे आपको मिलता है नीचे की साइड। और अभी इसकी बात कर लेते हैं एक सेकेंड, तो इसे अनलॉक कर लेते हैं पहले। तो ये है, और इधर की साइड में यहाँ पे मैग्नेटिक बटन मिल जाती है जिससे आप लॉक अनलॉक कर सकते हो अपने बूट को, और इस लेवर को इस तरीके से पुल करके आपको अपना जो है बूट एक्सेस करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको मिल जाती है ऑलमोस्ट 200 प्लस की बूट कैपेसिटी। तो और ये सीट पीछे की तरफ थोड़ा रिक्लाइन भी हो जाती है, तो इसमें कम्फर्टेबिलिटी और ज़्यादा मस्त बन जाती है। मतलब इतने कम पैसों में आपको पहली बात तो ये 7 सीटर मिल जाती है इतने सारे फीचर्स के साथ, ये अपने आप में बहुत सही चीज़ है। और ये कर्टन वगैरह है, अगर आपको स्पेस यूज़ नहीं करनी पूरा अपने यूज़ करना तो इसके नीचे भी स्पेस मिल जाती है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर कोई बूट लैंप वगैरह नहीं है, और ये देख सकते हो आप पीछे से प्रोफाइल 6 सीटर वेरियंट है इसके। और अभी कर लेते हैं इसे बंद और अभी चलते हैं ड्राइवर साइड डोर पर। और ड्राइवर साइड डोर की बात करें तो यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर्स आपको मिल जाते हैं जिनसे आप गाड़ी को चाबी अपने जेब में होने के बावजूद भी एक्सेस कर सकते हो। और अभी ड्राइवर साइड डोर की बात करें तो पहले की तरह ही ब्लैक थीम आती है, अंदर की साइड से कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जो चेंजेस है उनके ऊपर भी बात करेंगे। ब्लैक पैनल से मार्बल जैसी फिनिश यहाँ पे है, चारों पावर विंडोज, क्रोम डोर लिवर, डोर्स को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन, ORVM का कहीं से फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो, स्पीकर प्लेसमेंट, ट्विटर्स वगैरह हैं यहाँ पे। और अब जो नई चीज़ें चेंज हैं वो है यहाँ पे वेंटिलेशन, मतलब जो आगे की दोनों सीट्स आप देख रहे हो ये वेंटिलेटेड मिलती हैं इस बार आपको। 6-way मैनुअल एडजस्टेड सीट है, मतलब 6 तरीके से आगे पीछे ऊपर नीचे आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। पोस्टिंग वगैरह आपके सामने हैं, आप देख सकते हो कि कटन क्रीजेस सीट्स के कितने ज़्यादा मतलब एक कम्फर्टेबल पोजिशन पर हैं। और यहाँ से खुलेगा फ्यूल लिड, 3 पेडल्स में ऑटोमेटिक वेरियंट इसके अंदर आता है, और डुअल टोन का ऑप्शन भी इसमें आपको मिल जाता है। यहाँ पे एक्सेलरेशन ब्रेक क्लच की प्लेसमेंट है, और डेड पेडल के लिए अलग से प्लेसमेंट है। यहाँ पे ऐड स्टार्ट स्टॉप वाली बटन है, व्यू की बटन है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, लाइट लेवलिंग डायल है, और इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे आपको मिल जाती है। और अभी चलते हैं अंदर की साइड। तो थर्ड भी इस बार गाड़ी का बड़ा औसम है, तो इसको भी लगा लेता हूँ एक बार, आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा ये बात। तो गाड़ी का थर्ड भी इस बार बहुत ज़्यादा औसम है, तो जल्दी जल्दी से बात करते हैं। तो यहाँ से जैसे एक बार ऑन की मैंने चाबी, तो स्टेयरिंग व्हील अपना अनलॉक हो चुका है, ये इन्फोटेनमेंट सिस्टम ये ऑन हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो सुजुकी यहाँ पे लिखा आ चुका है। बेसिक सी वही सारी चीज़ें हैं जो आपने पहले देखी होंगी इसके अंदर, और पहली वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो वही बेसिक सी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, जो नई नई चीज़ें चेंज हुई उनके बारे में बातचीत करते हैं। ये सेम वही पैनल आता है यहाँ पे, बट इसकी जो थीम है वो चेंज हो चुकी है अब, जो कि आपने बलिनो के अंदर भी देखी होगी। तो ये कलर थीम वगैरह जो है चेंज हो चुकी है, बाकी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर आती ही हैं। ऊपर की साइड यहाँ पे वैनिटी मिरर है लाइट के साथ, एयरबैग की बैजिंग है, सनग्लास होल्डर की प्लेसमेंट है, 2 येलो लाइट्स हैं जिन्हें आप ऐसे इंडिविजुअली जला सकते हो। इधर की साइड भी वैनिटी मिरर है लाइट के साथ, एक मैनुअल डिमिंग IRVM कुछ इस तरीके से, जैसे आप मतलब मैनुअली आपको करना पड़ेगा, ये ऑटो डिमिंग नहीं है। और इन्हें भी आप सेट कर सकते हो ORVM को, देखो यहाँ से ऐसे यहीं से अंदर की साइड से ही, ये सही चीज़ है। और 360 डिग्री का व्यू तो इसके अंदर मिलता ही, वो भी आपको अभी दिखाई देता हूँ मैं। तो अभी होने दो इसे एक सेकंड ना, तो एक बार इसे और दिखा देता हूँ। देखो कुछ इस तरीके से ऑन होता है ये, यस वेरी सून फिल करेंगे इसके टैंक को। तो मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो अब एड ऑन होती जा रही हैं, जैसे सुजुकी पहले अपनी रिलायबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी, अब ये उन उन चीज़ों के लिए भी फेमस होती जा रही है, मतलब कि फीचर्स के मामले में भी अब धीरे धीरे रिच होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अपने सेल फैक्टर के ऊपर ही सर्वाइव कर रहे हैं मार्केट के अंदर, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब फीचर्स भी आपको टॉप नोज देने लग गई हैं कंपनियां। जैसे कि अब इसके अंदर आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है, तो वो भी अभी आपको दिखाऊंगा। पहली बात यहाँ देख लो, क्लस्टर कुछ इस टाइप का है, 8000 तक की RPM है, 220 की टॉप स्पीड है, बीच में MID है जो कि आपने बलिनो वगैरह के अंदर भी देखी होगी। यहाँ से ट्रिप भी वगैरह सेट कर सकते हो आप, और यहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन गाड़ी की आप सेट कर सकते हो। तो मतलब जितनी बेसिक नीड है ना किसी भी बंदे की, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। यहाँ वाइपर्स के कंट्रोल हैं, और इधर की साइड है हेडलैम्प्स और इंडिकेटर्स कंट्रोल, जो कि आपको ऑटोमेटिक मिलते हैं। और अभी स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो कुछ इस तरीके का मिलता है, 3-spoke मल्टीफंक्शन स्टेयरिंग व्हील, और इतना पतला सा है और इतना स्पोर्टी सा है क्योंकि नीचे से फ्लैट बॉटम मिलता है, और ये गन मेटल हाईलाइट जो इसके ऊपर मिलती है। कुल मिला के लगता नहीं है कि आप एक 7-seater 6-seater गाड़ी चला रहे हो, कुल ऐसा लगता है कि हाँ भाई स्विफ्ट वगैरह के अंदर ही बैठे हो, मतलब फील ऐसी है स्टेयरिंग की। और इसकी एडजस्टमेंट की बात करें तो ये टिल्ट L-telescopic, भाई वाह,
दोनों ऑप्शन इसमें आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स हैं, फोन उठाने काटने के लिए बटन है, वॉइस कमांड वाला फीचर भी यहाँ पे है, और इधर की साइड आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। सेवन सीटर गाड़ी ऑब्वियस सी बात है, हाईवे पे तो ये चलेगी डेफिनेटली। और इधर की साइड ये देखो, ये 360 व्यू आ जाता है यहाँ पे। वैसे गाड़ी ब्लू कलर की है, बट यहाँ पे एनिमेशन में वाइट कलर की आ रही है, तो ये देख लो आप यहाँ से। तो आप इसका व्यू का बटन यहाँ पे आप इसे कर सकते हो, और यहाँ पे हेजलाइट के बटन है। एसी वेंट जो है डैशबोर्ड के अंदर कुछ इस तरीके से मर्ज है, यहाँ पे देख सकते हो आप। और यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। नीचे एक साइड 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, एक यूएसबी के लिए पोर्ट है। और फिर आ जाती है वेंटिलेटेड सीट्स भाई, ये जो चीज है नहीं मिली है इसके अंदर। ओहो भाई वाह, हाथों पे भी फील हो रही है, पैरों की तो बहुत दूर की बात है, हवा निकल रही सीट से, वो यहाँ पे भी फील हो रही है। पर थोड़ी नॉइज़ है, अभी आपने सुनी भी होगी। और ये कप होल्डर जो है ये भी वेंटिलेशन के साथ आपको मिलते हैं, तो ये भी चीज़ यहाँ पे सही है। थोड़ी स्पेस मिल जाती है। फाइव स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स है यहाँ पे, ये गन मेटल हाईलाइट्स हैं। और ये है अपना कुछ ऐसा हैंड ब्रेक क्रोम टिप के साथ, आर्म रेस्ट है, ये तो बहुत भाई डिसेंट सा, वॉलेट भी ही आएगा शायद इसके अंदर बस। और ये स्लाइडेबल है, तो इस तरीके से आप इसे एडजस्ट जरूर कर सकते हो, बाकी स्पेस तो ऐसा ही है, बस काम चलाओ उसे। इसके अंदर थोड़ी स्पेस मिल जाती है, थोड़ी नहीं है काफी कहूंगा, पेपर वर्क के हिसाब से तो काफी है। तो ये है, और ये पूरा मार्बल फिनिश इसके ऊपर मिलती है, तो सेगमेंट में बहुत गजब की चीजें आपको ऑफर कर देती है। और सीट को कर लेता हूँ मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट, और अब चलते हैं पीछे की साइड। तो पीछे की स्पेस वगैरह भी देख लेते हैं इस गाड़ी के अंदर, तो अब ये मेरे हिसाब से एडजस्टेड है। जी हाँ, अब है, और अब चलते हैं पीछे। तो अभी पीछे की स्पेस से पहले दिखा देता हूँ डोर पैनल यहाँ पे। तो सेगमेंट में सबसे बड़ा डोर पैनल आपको ऑफर करती है, क्रोम डोर लेवर है, पावर विंडो की स्पेस, पावर विंडो है, थोड़ी स्पेस है, स्पीकर स्पेस में बोटर वोटर वगैरह है, फाइल वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हो। और यहाँ पे आपको मिलती है कैप्टन सीट, जिन्हें आप सिक्स वे से अपना एडजस्ट कर सकते हो, ये भी रिक्लाइन हो जाती है, आगे पीछे भी हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाती हैं। और कैप्टन सीट्स मिलती हैं, जितनी सीट्स ये आगे वाली बड़ी है ना, उतनी ही बड़ी सीट्स आपको पीछे भी मिलती हैं। और कैप्टन सीट्स में जो चीज़ सबसे बेस्ट होती है वो है इनकी एडजस्टमेंट, और अपना पर्सनल स्पेस वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। और एक सेकेंड, पीछे हो रही है ये, यहाँ से आगे हो जाएगी, तो इस तरीके से। तो सॉरी ये सिक्स वे नहीं है, फोर वे। और अभी अंदर चलते हैं, तो अभी दिखा देता हूँ आपको स्पेस वगैरह। तो पहली बात तो भाई ये देखो कितना बड़ा डोर पैनल है यार ये, मतलब विंडो एरिया तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी वॉल्वो बस के अंदर बैठा हूँ, और भाई का सब एकदम। और स्पेस वगैरह देख लो आप, अभी मेरे से बड़ा बंदा भी कोई आगे बैठा होता तो वो भी अगर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता इसे तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। मेरी हाइट जो 5'9" है, और ये स्पेस आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस सीट को भी कर लेता हूँ अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट, मान के चलो 6 ही बंदे इसके अंदर बैठे हैं, तो 6 बंदों को यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो अभी ये भी कर ली मैंने मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट, और इसको भी थोड़ा पीछे कर लेता हूँ। जी हाँ, अब ये बिल्कुल मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, ये मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, ये मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है। उससे पहले ये देख लो आगे से कुछ डैशबोर्ड का व्यू, पीछे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, दोनों ही सीट्स पे पॉकेट्स मिल जाती हैं, रूफ माउंटेड एसी वेंट्स हैं जिनमें आप यहाँ से अपना स्पीड वगैरह जो कंट्रोल कर सकते हो। 1, 2, 3, 4, 5 ग्रैब हैंडल्स हैं, और सीट बेल्ट्स की प्लेसमेंट है, और ब्लैक लेदर सीट्स हैं, तो ये काफ़ी मस्त लग रही है। यहाँ पे पर्सनल आर्म रेस्ट है अपने, और भाई टॉप मॉडल की जो फील है ना, वो टॉप मॉडल की सी होती है, मज़ा बहुत देता है टॉप मॉडल, मतलब ये लेदर सीट्स वगैरह हैं इंटीरियर में, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। और अभी चलते हैं पीछे की साइड, और पीछे की स्पेस आपको दिखा देता हूँ, तो यहीं से चल के दिखा देता हूँ भाई। ओ ये बात, और ये चीज़ मुझे पता थी इसलिए मैंने आपको बोला भी कि भाई पीछे का स्पेस बहुत गजब का है इस गाड़ी का। तो ये सीट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, और पूरे पैर स्ट्रेच आउट कर लेता हूँ तो नीचे थाई रूम भी दिक्कत ही नहीं है कोई भी, मतलब ऐसा नहीं है कि पैर थोड़े ऊपर करके बैठने पड़ रहे हैं, पूरे पैर नीचे टच हो रहे हैं सीट्स पे। और ये एडजस्टेड मिलते हैं अपना हेड रेस्ट, तो इन्हें भी मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ लाइक दिस, और आराम से, नो इशू वाली बात, मतलब लगेगा ही नहीं आपको कि आप थर्ड रो के अंदर बैठे हो, इतनी कंफर्टेबल है थर्ड रो इसकी। सेगमेंट में सबसे बेस्ट, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, कप होल्डर है, इधर की साइड भी है और इधर की साइड भी है, 1 लीटर की बोतल आ जाएगी, कप तो नहीं कहूंगा मैं, काफी बड़ी स्पेस यहाँ पे मिल जाती है। एक रीडिंग लाइट भी आपको यहाँ पे मिल जाती है ऊपर की साइड येलो कलर की, तो ये है पीछे वाली रो के लिए लाइट आपको मिल जाती है, और आगे तो खैर है ही। और ये देखो भाई क्या तगड़ी लगती है, ओहो हो,
और ये मतलब दोनों ही सीट्स ऐसे हो जाते हैं, ट्रम्बल हो जाते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं रहता है। और अभी चलते हैं इंजन बे की बात करते हैं, यहाँ से कुछ रहेगा तो पूछ लेना आप। और ये इसलिए है लीवर दोनों सीट्स पे दिए हुए, मतलब आप इधर की साइड से भी आ सकते हो, उधर की साइड से भी आ सकते हो, कोई इशू वाली बात यहाँ पे नहीं रहेगी। और ये भी आप देखो फोल्ड कर सकते हो, पर्सनली कोई एक सीट फोल्ड करनी हो या फिर दोनों ही फोल्ड करनी हो तो ये यहाँ से कर सकते हो आप। और अभी चलते हैं इंजन बे की तरफ, अभी बात कर लेते हैं इंजन कंपार्टमेंट की, ये इंजन कंपार्टमेंट कैसा देती है आपको। और अभी बात करें इस गाड़ी के इंजन बे की, तो पहली बात यहाँ पे इंसुलेशन पैडिंग आपको मिलती है, और यहाँ पर मिलता है 1462 सीसी का फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो कि सुपर रिफाइन है, सुपर साइलेंट है, नो डाउट। और इस बार इसके अंदर थोड़ी पावर कम होगी, मतलब 101 bhp निकालता है, 136 nm का इसमें टॉर्क मिलता है आपको। और इस बार जो पावर कम हुई है उसकी वजह से थोड़ा मतलब माइलेज पे फ़र्क ज़रूर पड़ा है, तो ऐसा ज़्यादा रेव नहीं होगा, तो उसके हिसाब से माइलेज थोड़ी इंक्रीज़ हुई है गाड़ी की, 20 की माइलेज कंपनी क्लेम करने लग गई है अब इसकी तो। और एक चीज़ जो ऑटोमेटिक के साथ चेंज हुई है, पहले इसके अंदर 4-speed का ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स आता था, बट अब ये ऐसा हो गया है कि ये 6-speed ऑटोमेटिक हो चुका है जो कि टॉर्क कन्वर्टर के साथ आपको मिलेगा। तो यहाँ पे भी इंजन स्पेसिफिकेशन चेंज हो चुकी है, एक्साइड की बैटरी यहाँ पे और पूरा इंजन कंपार्टमेंट आपके सामने। और अभी एक सेकंड इसे बंद कर लेते हैं फिर मिलते हैं। तो ये थी आपके सामने 2022 न्यूली अपडेटेड XL6 उन सभी फीचर्स के साथ अब आने लगी है जो कि मार्केट में दूसरी कंपनियां जो है आपको दे रही थी, और सुजुकी थोड़ा सा लैग कर रहे थे उस चीज़ में, तो अब वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने लगी हैं। वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन सुजुकी ने इंट्रोड्यूस कर दिया है, 360 डिग्री कैमरा तो बलिनो में ही आ गया था, टिंट विंडोज इसके अंदर आ चुकी हैं, और मतलब एक नई सी प्रोफाइल मिलती है, थोड़ी बड़ी सी भी लगती है, टायर सेक्शन वगैरह भी थोड़े चेंज हो चुके हैं। तो ये थी आपके सामने, कैसी लगी वीडियो बताना कमेंट्स में, अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हम फिर मिलते हैं इस वीडियो में। बाय बाय।